हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पोकेमॉन यूनाइट गेम प्ले। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, उर्शीफू की गाइड है गाइस। आज उर्शीफू की गाइड देने वाला हूं मैं। तो आपको क्या करना है, आपको सर्जिंग स्ट्राइक्स खेलना है, बस नॉर्मली खेलना है एक बंदे की तरह। बट आपको करना क्या है, एक तो तरीका है स्लो मारने का, जो कि है ये, जिसमें आप जैसे ही सर्जिंग स्ट्राइक करेंगे आपके पास दूसरा सर्जिंग स्ट्राइक आ जाएगा। बट बेटर ये रहेगा कि आप है ना, जब आप फर्स्ट सर्जिंग स्ट्राइक मारें, उसके बाद आप जो बेसिक मार रहे हैं ना, उसकी एनिमेशन जब तक हो रही है तब तक ही आप दूसरी सर्जिंग स्ट्राइक मार दीजिए, जैसे मैं अभी दिखाने जा रहा हूं। तो इससे आप काफी जल्दी जल्दी सर्जिंग स्ट्राइक मार पाएंगे, और ऊपर से आपको काउंटर करना भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपकी मूवमेंट बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा गेम की तरफ। और उर्शीफू पे हम खेलने जा रहे हैं 6 ब्राउन 6 व्हाइट 2 ब्लू 2 पर्पल एचपी अटैक एम्बलम्स, और साथ में वीकनेस पॉलिसी, रेजर क्लॉ और मसल बैंड। ये शायद लास्ट मैच वाले ही बंदे आए हैं। हाँ यार, ये वो ही है, इनको कितना मारा है कितना मारा है, लेकिन भाई जब तक टीम सपोर्ट नहीं आएगा ना हल्का सा, तब तक हारते ही रहेंगे। तो गाइज, अब उर्शीफू जो है उसका जो अर्ली गेम है वो काफी स्ट्रांग है, बिकॉज एक बार आप जंगल ले लेते हैं तो आपका 5 लेवल पे ही सर्जिंग स्ट्राइक खुल जाता है। तो आपका मेन काम ये है कि आप एनिमीज को मारें, एनिमी जंगलर को भी मारें, और फिर उसके बाद पूरे गेम उनका जंगल रेड करें, ताकि आप उनको पूरे गेम डिफरें सकें और पूरे गेम डोमिनेट कर सकें सर्जिंग स्ट्राइक से। तो चलिए देखते हैं हम वो इस गेम में कर पाते हैं या नहीं। फॉल बैक फॉल बैक फॉल बैक। ये क्या डैमेज दे रहा है मेरे को? बीज ले लो फटफट सारी उनके आने से पहले। अरे गए नहीं आर पार। चाचा भी आती, बेस मत तोड़ना, अभी थोड़ा सा पीछे आ जाओ, पीछे लेके आओ उसे। पीछे 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 बहुत डैमेज हो गया मैं। उसको हील कर कर सके तो क्लिफा। शील्ड तो मिली मेरे को, लेकिन कोई मरा नहीं दोनों में से। मर बहन के लोड़े। फॉल बैक फॉल बैक फॉल बैक। तो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अल्ट तो चलानी आती होगी, बट स्टिल मैं बता देता हूँ आपको, अल्ट एक बार एक्टिव करनी है, उसके बाद आपका सर्जिंग स्ट्राइक का जो कूलडाउन है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो आप लगातार सर्जिंग स्ट्राइक मारते रहिए, अगर कोई आपकी सर्जिंग स्ट्राइक की रेंज से बाहर जा रहा है तो आप अपनी दूसरी अल्ट एक्टिव, दूसरी बार अल्ट टैप कीजिए, वरना आप सर्जिंग स्ट्राइक मारते रहिए। सर्जिंग बेसिक मारेंगे, आपका सर्जिंग स्ट्राइक पर कूलडाउन नहीं लगेगा। क्लिफा के पास अल्ट है, ले सकते हैं फाइट।
ले गांड पे लात खा। कोई था इधर यार? तो गाइज यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी गलती हो जाती है, मैं लोगों ने अल्ट एक्चुअली दे थोड़ा दिया। सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ अपनी अल्ट को लेके। मैं यहाँ पे सबको मार भी देता, बट मेरे को देखना चाहिए था कि उनके स्लोब्रो के पास अल्ट है और वो अल्ट मुझे ही देगा, और यही मेरे से गलती होगी। तुम तो लोग आप लोग भी निकाल ध्यान लोगे रखिए, अगर मुझको, एनिमी टीम में स्लोब्रो है और उसके पास अल्ट मैं है सब ही आपको कर लगता दूंगा। है, तो देख के फाइट में एंट्री लीजिए। म्यूटो की अभी अल्ट कर दूंगा। यार स्लोब्रो ने अल्ट दे दी भाई। आयुष स्लोब्रो को ही अल्ट दे देता ना तू, मजा आ जाता। चोदता फिर मैं इनको पकड़ के, इनको घसती बनाता सड़क की। अल्ट देते सिंडी, क्या सोच रही है? अच्छा दे चुका है अल्ट। बहुत बढ़िया क्लिफा, बहुत बढ़िया ब्लॉक। नीचे ले लेना, मैं जंगल फार्म करके ऊपर जाता। ईशान की सेंचुरी आएगी आज तो चलो बढ़िया बात है भाई, जरूरत भी है। भाई सेंटर फाइट ठीक से निकालनी पड़ेगी अपने को, क्योंकि वो स्लोब्रो बहन का लंड मेरे को ही अल्ट देगा। फिर अल्ट दे दिया यार इसने मेरे को, क्लिफा ने भी मेरे को फ्लाई दे दिया भाई। इतनी क्या गांड फट गई इनकी। लो तुम्हारे डैडी आ गए म्यूटू के चोदे। दे अल्ट दे मादर चोद, इधर आ। पुश नहीं करा रहे, पीछे आ जाओ, फार्म करो। इनका जंगल रेड आ, जंगल रेड आओ, जंगल रेड। बस पीछे शील्ड मिल जाए थोड़ी सी, तो भी नहीं हो पाया, गड़बड़ हो गई है। तो ले ले डेथ, ले ले आयुष, सस्टेन मत कर, डेथ ले ले। अरे स्लो ब्रो ने फिर मेरे को ऑल दे दी। मैं डेड हूँ 20 सेकंड के लिए, सेंटर ऑन फायर। हुपा ने बहुत जल्दी अल्ट दिया यार, थोड़ा तो वेट कर लेता कम से कम। उसको अल्ट दे देना, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया आयुष, बहुत जी जी भाई, बहुत बढ़िया। गांड फाड़ दे अब इनकी, उनके अब स्लोब्रो के पास अल्ट नहीं और मेरे पास अल्ट, अब मैं इनकी मां छोड़ दूंगा। क्लिफ आ गया, रिप कर रहा है क्या संडी, कर दो रिप करना।
ले बहन के लोड़े मार, हट। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को उर्शिफु खेलना समझ आ गया होगा एकदम अच्छे से। और मैं बता रहा हूँ सच्ची कि क्लिफा जो है ना वो उर्शिफु का सबसे भयंकर काउंटर है, और वो भी इस समय हमारे अगेंस्ट में था, और तो भी हमने क्लिफा से बिल्कुल डिफ नहीं खाया और एकदम अच्छे से प्यार से क्लिफा से भी इजीली फाइट ली और एनिमी म्यूटू को भी बुरा पेला। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले ऐसे ही और अमेजिंग गेम प्लेस देखने के लिए। और ऐसे ही मेरे साथ चूतिए म्यूटू क्लिफा और स्लोब्रो जैसे बंदों को पेलने के लिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।